न्यूज तक की तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। अब आते खबर की बात पर। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी का अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है। कभी बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी लोगों को इम्प्रेस कर जाते हैं, कभी भीड़ से लड़ती एक लड़की उन्हें किस कर देती है, और कभी वो पुशअप करते नजर आए, बच्चों को पुचकारते नजर आए, दादी को गले से लगा लिया। मतलब 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा में चलते चलते राहुल सबको, हर तबके के हर आदमी को अपना बनाने में लगे हैं। चलिए सबसे पहले आपको वो खास झलकियां दिखा देते हैं। ये तस्वीर तब की है जब राहुल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैसूर पहुंचे थे। मैसूर में एक कांग्रेस की सभा में जब वो भाषण देने मंच की ओर बढ़ने लगे तो बारिश होने लगी, लेकिन उन्होंने बारिश रुकने का इंतजार नहीं किया और उड़ा दिया गर्दा। हो गई ये तस्वीर वायरल। कांग्रेस पार्टी ने गाने लगा के राहुल गांधी की ये हीरो वाली तस्वीरें हर जगह लगा दी। अब ये तस्वीरें देखिए, जब राहुल कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तब सुरक्षा घेरा तोड़कर एक लड़की अंदर घुस जाती है और राहुल गांधी को किस कर देती है। उनके चारों ओर कर्नाटक पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के कमांडो साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लड़की इतने सारे सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर राहुल के पास आखिर पहुंच ही जाती है और उनके गाल पर किस कर देती है, जिसके बाद राहुल मुस्कुरा देते हैं। ऐसी एक और तस्वीर देखिए, जब जज्बातों से सराबोर ये लड़की रोते रोते राहुल गांधी का हाथ पकड़कर चलने लगती है, फिर राहुल भी बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उससे बात करते हैं। अब आप जानते ही हैं, लोग खास तौर पर लड़कियां राहुल गांधी की फिटनेस की भी बहुत कायल हैं, और इसका एक नमूना तब दिखा जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पुशअप्स करने लगे। कर्नाटक की तस्वीर है ये, जब बीच सड़क पर राहुल कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ एक पुशअप चैलेंज करने लगे। इस दौरान एक बच्चा भी इस चैलेंज में शामिल हो गया। तस्वीरें शेयर हुई तो राहुल की फिटनेस की तारीफ होने लगी। इसके अलावा राहुल की मां सोनिया गांधी के साथ भी एक तस्वीर वायरल हुई। दरअसल सोनिया कर्नाटक के मांड्या जिले में पदयात्रा में शामिल हुई। उसी वक्त जब सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रही थी, तभी बीच सड़क पर उनके जूते के फीते खुल गए, जिसे राहुल गांधी खुद बांधते नजर आए। फिर क्या था, मां बेटे की ये तस्वीर वायरल हो गई। इसके अलावा कई और तस्वीरें हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी बच्चे को गले लगाते दिखे, तो कभी यात्रा के दौरान एक बच्चे को कंधे पर उन्होंने बिठा लिया, फिर वो ममता की छांव में नजर आए जब एक बूढ़ी माता जी उनसे यात्रा के दौरान गले लग गई, उन्हें सहलाने लगी, आशीर्वाद देने लगी। अब ये तस्वीरें देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि मानो राहुल गांधी ने अपना दिल ही खोल के रख दिया। लेकिन बात दिल की, लोगों की है या फिर 2024 की? अपने आप को सशक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी की दो अहम पहल हाल ही में देखी गई। एक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जिसमें कोई गांधी नहीं उतारा गया, वो बात अलग है कि खड़गे जी को असल में गांधियों का ऑफिशियल कैंडिडेट बताया गया और वो जीते भी। खैर, अब लोग जो भी कहें, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा, जिसके जरिए जन जन से, आम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं राहुल गांधी। अब चाहे बीजेपी या कोई भी राहुल गांधी का कितना ही मजाक बना ले, लेकिन वो तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी छवि उबारने में जी जान लगाए हुए हैं। लेकिन क्या असल में इससे राहुल और कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है? बीबीसी के मुताबिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस अपनी इस यात्रा को कर्नाटक में अपनी बुनियाद दोबारा मजबूत करने के मौके की तरह देख रही है। दक्षिण के राज्यों में यही एक राज्य है जहां उसका मुकाबला सीधे बीजेपी से है, इसीलिए कांग्रेस की यात्रा उन इलाकों से गुजर रही है जहां उसका मजबूत समर्थन है। एक तरह से कांग्रेस के लिए अपने वोटरों की गोलबंदी भी है। वही कांग्रेस के सदस्यों ने अनौपचारिक चर्चा में बीबीसी को बताया कि राहुल गांधी 2017 से 2019 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन वो इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज उस तरह से नहीं पकड़ पाए थे जिस तरह से इन दिनों पकड़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, राहुल के तेवर ऐसे ही रहे तो क्या 2024 में वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।